हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई, जब भी हमें कोई शो पसंद आने लगते हैं तो हमें लगता है यार, इनकी टीआरपी अच्छी नहीं है, ये बंद हो जाएंगे। फिर भी हम उन्हें शो को पसंद करते रहते हैं जब तक वो आते रहते हैं। ऐसे में अचानक से शो टीवी से हटा दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नज़र आएंगे। फिर भी जो है फैंस सोचते हैं चलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही देख लेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं आते हैं। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ होता है ओटीटी का, वो सोचते हैं हमें तो एपिसोड देखना है, हमें तो ये देखना है कि वो कैसे मिलेंगे, उनका राज कैसे खुलेगा। ना जाने बहुत से ऐसे शो होते हैं फिर जो है वो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, उसके बावजूद उन्हें वहाँ वो शो नज़र नहीं आता। ऐसे में फिर मीडिया में एक आवाज़ निकलती है, फैंस के साथ हुआ धोखा। ऐसे पहली बार किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म या किसी सब्सक्रिप्शन लेने में नहीं, ना जाने ऐसे बहुत से ऐप्स हैं जहाँ पे फैंस धोखा खा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं उस ऐप्स की बात कर रही हूँ जिसे इंडिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, या ये कहें कि जिस पर पूरा विश्वास है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सोनी की। बहुत से शो थे वो सारे एकदम से उन्होंने बंद कर दिए और सोशल मीडिया में न्यूज़ आई कि वो उनके वहाँ पर मिलेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, सोनी लाइव पे। ऐसे में जिन्होंने सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ था उन्होंने ले लिया, लेकिन वहाँ पर नज़र नहीं आए। ऐसे में जो है ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने शूट बीच में रुकवा दिया और कहा टाटा बाय। सबने अपने शो की कहीं ना कहीं हैप्पी एंडिंग की है। जुबिली टर्की इसका तो परसों ही लास्ट शूट हुआ है, तो सोचिए जो लास्ट शूट हुआ है उसके एपिसोड तो है ही ना, वो कहाँ है। काव्या ने भी जो है 2 दिन पहले ही लास्ट शूट किया था, जहाँ पे सोशल मीडिया पे सुम्बुल ने अपने खुद पोस्ट किया था, तो कहाँ है वो सारे एपिसोड। ऐसे में फैंस काफ़ी बेताब हो रहे हैं, काफ़ी सर्च कर रहे हैं। अब मुझे जो लगता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके बचे हुए एपिसोड हैं शायद वो सोनी टीवी के यूट्यूब पर नज़र आएंगे। ऐसा हो सकता है, अगर सोनी लाइव पर नज़र नहीं आए तो आप सोनी के यूट्यूब पर देख सकते हैं। इट्स नॉट अ कन्फर्म, बस सोशल मीडिया में एक न्यूज़ चल रही है, दर्शकों के साथ हुआ बड़ा धोखा। भाई टीवी का पहले पैकेज दे रहे थे, वहाँ पे से हट गए, फिर सोनी लाइव का दिया, वहाँ पे से नज़र नहीं आए, तो ऐसे में धोखा ही हुआ है भाई। तो ऐसे में जो न्यू मैनेजर, जो भी सीए वगैरह आए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप फैंस के साथ अपडेट लेकर चले और अपनी भी अपडेट देते रहें, ताकि सोशल मीडिया में 10 तरह की न्यूज़ पे फैंस विश्वास ना करें। जब तक आप कोई ट्वीट नहीं करेंगे तब तक जो है फैंस इधर उधर की न्यूज़ पर बिलीव करते रहेंगे। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनते हैं।